हेलो फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है 20 फीट बाई 38 फीट 6 इंच का है। लगभग 40 फीट से कुछ कम है, 1.5 फीट कम है ये जो प्लान है। और ये ईस्ट फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है और बाकी तीनों तरफ से दूसरों की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी है। और ये जो प्लॉट है वो हमारे क्लाइंट मिस्टर रमेश चौहान जी का है, जो कि नोएडा से बिलोंग करते हैं, नोएडा यूपी से। उनके लिए ये प्लान मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये चलिए समझते हैं आज का प्लान। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। हाँ, अभी आप देख पा रहे होंगे जो इसमें डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दें, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके रखा हूँ। तो यहाँ पे जो है इसमें गेस्ट रूम में आपको मिल जाता है, और घर के अंदर की जो एंट्री है वो यहाँ से है। यहाँ से हमारे घर के अंदर की एंट्री होती है। यहाँ पे जो 4 फीट चौड़ा यहाँ पे एक डोर लग जाएगा। यहाँ पे बाहर में ये गेस्ट रूम मिलता है, जो कि 11.5 बाई 10 का है। यहाँ पे एक डोर मिल जाएगा, और एक डोर यहाँ पे भी मिलेगा जो कि हमारे इस घर के अंदर ओपन होगा। बाकी ये जो जो डोर है वो मेन रोड से थोड़ा सा हट के जो है, जहाँ से हमारा ये प्लॉट स्टार्ट होता है वहाँ से ये है। यहाँ पे एक विंडो मिलता है जो कि 4 फीट चौड़ा है। तो यहाँ पे एक गेस्ट रूम मिल जाता है, जिसका यूज़ आप ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम जो भी करना चाहे तो कर सकते हैं। और सीधे अभी हम चलेंगे अपने घर के अंदर जाने के लिए, इस डोर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिड लैंडिंग की यहाँ पे स्लैब है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं वो बालकनी की लाइन है। बालकनी मतलब छज्जा, जिस पर हमारा जो हमारे छत की जो ऊंचाई होती है, जो कि 11 फीट की ऊंचाई इसमें दी गई है। तो यहाँ पे जो है इस ऊंचाई पे हमारा ये जो प्लॉट है वो यहाँ पे प्लॉट जो हमारी ज़मीन है उससे 11 फीट की ऊंचाई पे हम अपना ये हमारी ये छत आएगी। यहाँ पे कुछ ऐसे में हमारी बालकनी होगी जो कि 3 फीट चौड़ाई बीच में है, यहाँ पे 2 फीट की चौड़ाई है। तो यहाँ से आप जैसे एंटर करेंगे, ये जो सीढ़ी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये सब सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं, जहाँ पे अप लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा सीढ़िया सीढ़ी हमारी स्टार्ट हो रही है। पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कदम ऐसे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से घूम के हम अपने फर्स्ट फ्लोर छत पे चले जाएंगे। इसी सीढ़ी के नीचे से हमारे घर के अंदर जाने का जो पैसेज है, रास्ता जो है वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 3 फीट 2 इंच का चौड़ा पैसेज मिलता है, और इसके नीचे आप यहाँ पे अपनी बाइक की पार्किंग कर सकते हैं, या इस जगह का इस्तेमाल आप अपना यहाँ पे ये मोटर लगाने के लिए कर सकते हैं, जो पानी का समर्सिबल होता है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं सीढ़ी के नीचे। और यहाँ पे जो है इसकी ऊंचाई जो है वो सीढ़ी की, यहाँ पे मिड लैंडिंग की जो ऊंचाई है वो 7 फीट की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि लैंडिंग 7 फीट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 फीट की ऊंचाई पे हमारी ये सीढ़ी की ऊंचाई हो जाएगी। और इसी के नीचे हमारे ये डोर लग जाएगा, और इसी के थ्रू हम अपने घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जगह मिलेगा जहाँ पे अपना सू रैक यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो जूते वूते रखने के लिए, अब जैसे आपने रैक रखता है छोटा सा, वो यहाँ पे रख सकते हैं। और सीधे यहाँ पे अभी हम चलेंगे, तो सीधे यहाँ पे 4 फीट चौड़ा एक और डोर मिलता है। यहाँ पे एक विंडो मिलता है W1, जो कि 3 फीट वाइड है। तो सीढ़ी की तरफ से जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे हॉल के अंदर जाएगी। लिविंग एंड हॉल यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे सीधे हम हॉल से होते हुए अपने बेडरूम में आ जाएंगे। 10 बाई 10 का बेडरूम यहाँ पे मिल जाता है आपको, और इसमें जो बेड और सोफे लगाए गए हैं। यहाँ पे लिविंग एंड हॉल की साइजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो 17 फीट की लंबाई है इसकी, और 8 फीट 1 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे हॉल मिल जाता है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे हॉल मिलेगा। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सीटी भी लिखा हुआ है। सीटी भी मतलब ये है जो है, ये कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम है। यहाँ पे जो है 6 फीट 6 इंच की लंबाई है, 4 फीट 9 इंच की चौड़ाई है। यहाँ से हॉल से ही हम अपने इस टॉयलेट एंड बाथरूम का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे एक जो आप कट देख रहे हैं, ये जो लाइन्स जो लगी हुई हैं वो जो है वो यहाँ पे ये शाफ्ट है, जो कि हमारे छत में यहाँ पे ये खुला रहेगा। यहाँ पे भी दीवार है, ये पूरी दीवार आ रही है, और दीवार में यहाँ पे एक विंडो दिख रहा है आपको, W1 जो लिखा हुआ है। W मतलब विंडो, D मतलब डोर। तो यहाँ पे जो है W1 जो दिख रहा है 3 फीट वाइड है, 3 बाई 4 का यहाँ पे विंडो लगेगा इस दीवार में यहाँ पे। और यहाँ पे जो छत में से जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे इस बेडरूम के अंदर भी उजाला रहेगा। और यहाँ पे एक डोर दिख रहा है आपको, D जो दिख रहा है, वो इस टूर को ओपन करके हम इस जगह का इस्तेमाल कर पाएंगे। ग्राउंड फ्लोर में जब हम जाएंगे यहाँ पे, तो अपना वॉशिंग मशीन रख देंगे, और यहाँ पे इस जगह का इस्तेमाल है जब वॉश एरिया करेंगे। यहाँ पे लोहे की जाल से बाद में इसको हम इसको कवर कर देते हैं छत को, और इसमें रोशनी आती रहती है। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोज में भी मैंने ऐसा यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ से अभी चलेंगे हॉल से अपने बेडरूम 2 में। यहाँ पे बेडरूम 2 के जो लंबाई है 11 बाई 10 का, यहाँ पे बेडरूम 2 है। और यहाँ पे जो है इस कमरे के लिए भी बेड और सोफे प्लेस करके दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो ये D1 जो है वो 3 फीट वाइड दिया गया है, W1 यहाँ पे 3 फीट चौड़ा है, 3 बाई 4 का यहाँ विंडो इस दीवार में भी लगेगा। तो यहाँ पे इस शाफ्ट में जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे इस कमरे के अंदर भी उजाला रहेगा।
यहाँ पे जो है एक ओपन किचन दिया गया है जो कि 6x7.5 का है। यहाँ पे ओपन किचन जो कि हमारे यहाँ, इसके लिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी प्लेस किया गया है, जिससे इसका इस्तेमाल आप किचन में खाना बनाने के बाद आप यहाँ पे अप ला के यहाँ पे डाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसमें बात करते हैं वॉल साइजेस की। बाहर बाहर की जो दीवारें आप देखेंगे वो इसमें 9 इंचेस की हैं, और घर के अंदर की जो दीवार है, घर के अंदर की जो वॉल है वो इसमें 5 इंच की डिज़ाइन की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।